अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यहाँ पे ग्रैनी स्मिथ का प्लांट है जो कि एक अच्छा पॉलिनेटर माना जाता है। ये जब मैं इसका जब ब्लूम निकला था तब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा यहाँ पे दूसरे पेड़ों को भी ब्लूम निकला था। अब ये जो है ऑलमोस्टली मुझे लगता है पेटल फॉल को होने को है। ये सारे पेड़ दूसरे चाहे डिलीशियस है चाहे ब्लू वगैरह हैं या चाहे नई वेराइटी हैं, ये सारी ऑलमोस्टली दे आर नियर टू पेटल फॉल। अब ये जो है ये अभी भी अपने पूरे ब्लूम पे है। अभी आग देख सकते हैं यहाँ पे हॉनी भी है, ये अपना काम कर रही है। तो असल में मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक सबसे बढ़िया पोलिनाइजर है। इसकी कंपैटिबिलिटी ऑलमोस्ट सभी रेड डिलीशियस वैरायटी के साथ है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं ये साइड जो है ये अभी पिंक बर्ड पे है, ये देख सकते हैं। यानी कि इसके बाद अगर कोई भी और फ्लावर इसको निकल जाए रेड डिलीशियस वैरायटी को कहीं पर भी जहाँ पे थोड़ी लेट ब्लूमिंग होती है उसको भी ये पोलिनाइज करेगा। ये देखिए अभी भी ये थोड़ा कहीं कहीं पे पिंक पे है। इसके बाद भी कुछ और फूल निकलेंगे इसमें थोड़े थोड़े हल्के, ज़्यादा नहीं। तो कहने का मकसद जो मेरा है वो ये है कि ये सबसे बढ़िया वैरायटी है जो एक कंपैटिबल वैरायटी है ऑलमोस्ट सभी रेड डिलीशियस वैरायटी के लिए, क्योंकि ये इसका जो ब्लूमिंग टाइम है काफ़ी देर तक होता है, देर तक रहता है। और आप देख सकते हैं इन पेड़ों में ऑलमोस्टली दे आर नियर टू पेटल फॉल। तो आपको दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं, एक वैरायटी की को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बस ये अच्छा है एक ग्रैनी स्मिथ। और एक एज ए फूड एज ए मेडिसिन भी है ये, क्योंकि इसकी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है मार्केट में। चलिए अस्सलाम वालेकुम।